अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खीरे की सब्ज़ी। बिल्कुल अलग ही तरीके से हम आज इसको बनाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है ये हरा धनिया कट कर लिया है बारीक, एंड 7 से 8 ये बारीक हरी मिर्च कट कर ली है। टमाटर हमने 2 मीडियम साइज़ के बारीक कट कर लिए हैं, और 1 बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है। और साथ ही में हमने ये 1 केजी खीरे लिए हैं। हमने इनको पील ऑफ करने के बाद वॉश कर लिया था, और उसके बाद हमने इतने बड़े पीसेस में हमने गोल कट कर लिया है इनको। और इसके अलावा हमने यहाँ पर 1/2 केजी मटन लिया है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और बारीक पीसेस में कट कर लिया है। सो गाइस, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें मटन ऐड कर देंगे, देन हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, टमाटर एंड हरी मिर्ची, तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ धनिया पाउडर, और साथ ही में हम इसमें अब लास्ट में ऐड कर देंगे ये ऑयल, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर को गैस फ्लेम पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें गैस फ्लेम जो है वो फुल रखना है, और इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। हमें यहाँ पर सिर्फ 1 बाउल पानी जो है वो ऐड करना है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से चला करके कवर कर देंगे, और 1 सीटी आने के बाद हम इसको 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं गाइस। अब हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो बचा हुआ पानी है गाइस, इसको हाई हीट पे हम सुखा लेंगे, और पानी सूख जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये खीरे। तो अब आप खीरे ऐड करने के बाद इसको थोड़ा चला ले, ताकि सभी खीरे जो हैं वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, एंड देन हम ऊपर से 1/2 से भी थोड़ा कम ही गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा गरम मसाला हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और 3 सीटी आने तक पका लेंगे। यहाँ पर 3 सीटी आ चुकी है, अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं गाइस। आप इनको इस तरीके से चम्मच की मदद से तोड़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर चावलों के हिसाब से पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है, आप चाहे तो रोटी के साथ खाएं तो आप पानी कम रखें। और ये देखिए, कितनी अच्छी डिलीशियस खीरे की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।